पेपरमेंट, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की कौन सी खबरें अहम चल रही है, और इस वक्त कर्नाटका स्टेट में जो इलेक्शन की तैयारियों का जोर पकड़ा हुआ है, ऐसे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बाकी है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मशहूर लीडर और चामराजपेट के कांग्रेस के MLA जनाब जमीर अहमद खान और उनके बहुत ही सीनियर लीडर सिद्धरामैया जी की हर जगह ये कोशिश चल रही है कि लोगों से खिताब करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और आवाम की आवाज़ के ज़रिए, प्रजाध्वनि के ज़रिए लोगों तक पहुंचकर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के सिवा इस देश को, इस देश की आवाम की भलाई की कोई सोच नहीं सकता। हाल ही में जो BJP का रोल चल रहा है, इससे लोगों को पता चला है कि महंगाई कहां तक है, गैस सिलेंडर के हाल क्या है और किस तरह की रणनीति BJP इख्तियार कर रही है, जिससे इंसानियत की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता जा रहा है। इसी बात को कांग्रेस ने उजागर करने की कोशिश की है और हर जगह पर प्रजाध्वनि के नाम पर इन्होंने प्रोग्राम आयोजित करते हुए ऐसे जगह घूम रहे हैं जैसे दावणगेरे, कई इलाकों में कर्नाटका के, ताकि लोगों को कांग्रेस के बारे में बताया जाए कि आइए कांग्रेस की तरफ आइए और कांग्रेस को अपना वोट दीजिए, अपनी और अपने देश की हिफाजत के लिए कांग्रेस का साथ न छोड़िए। इसी संदर्भ में जमीर अहमद की कोशिश जो है, इनकी जो मकबूलियत लोगों में, इनकी मकबूलियत, प्यार मोहब्बत जमीर अहमद के लिए बस देखते ही बनता है। एक ऐसे लीडर इस वक्त कर्नाटका में उभरते हुए जा रहे हैं जो हर एक धर्म के लिए मदद करने का काम करते हैं। ये इंसानियत का लीडर है और ऐसे लीडरों को आगे लाना चाहिए, ये आवाम की जद्दोजहद होनी चाहिए। आइए देखते हैं ये मनाजिर क्या है। इसको बोलेंगे सबका विकास कर बोलते हैं। हर कौम को, जैसे सिद्धरामैया जैसे लीडर हर जात को लेकर चलता है, उसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सिद्धरामैया को बोलते हैं, सिद्धरामैया लीडर को बोलते हैं। जब मुख्यमंत्री थे, कोई एक समाज को भी नहीं फीके छोड़े, वो हर कौम को, हर जात को, कोई मल्का लाल था के खुल के लेके जाना होना तो सिवाय सिद्धरामैया को कोई नहीं। उसको बोलते सिद्धरामैया को सबका साथ सबका विकास। तो स्लोगन बोलने के लिए सिद्धरामैया जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आप नहीं है। कभी भी देखो, आज हम प्रजाध्वनि यात्रा आपके मुख्य जी के अंदर आपके बीच में आए हुए हैं। हम आपके बीच में क्यों आए हुए हैं, हमारे साथ में जो हम क्या करने वाले हैं, पिछली बार क्या किए थे हम बता के आपको वोट मांगने के लिए। मेरे एरिया के BJP जैसा तीन जो मुसलमान नफरत अभी डाल के, मैं भी बहुत से कंट्री को घुमा हूँ, मैं से बहुत कंट्री को जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से खासकर हिंदुस्तान के अंदर, खासकर कर्नाटका के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चार मोहब्बत से है और कोई स्टेट नहीं है, और उसको अमल खराब करने की BJP जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। कभी वो लोग डेवलपमेंट बोर्ड में नहीं मानते वोट, हम लोग कभी भी आते हैं सीमा ठोक के बोलते हैं भाई हमारे सिद्धरामैया ने प्रोग्राम दिया, सिद्धरामैया ने काम किया और फलाना क्या करके हम आके आपके सामने वोट मांगे। हमारे मुसलमान के अंदर कभी बहुत से मुसलमान साथ आए बैठे, बहुत से उम्मीदवार भी दिखे मेरे को, कभी मजहब हमारे को तासुब करने के लिए नहीं दिखाया, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे गांव से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा स्लोगन है। हम कभी भी जात पात नहीं जाएंगे। हम लोग हर कौम को साथ में लेके जाने वाला, जुड़ने वाला, हर कौम को साथ में लेके चलने का हमारा स्लोगन हम सिखाया। आज देखे होंगे 2013 में जब सिद्धरामैया साहब से पहले बहुत से मुख्यमंत्री थे, कभी कोई भी मुख्यमंत्री महिला जिले वाले में नहीं सोचा, जैसा सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बने, जो 400 करोड़ था समझ उन्होंने कला में बताया था, दोबारा में बताता हूँ, उसको 3,150 करोड़ करे। उसके साथ साथ में तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, ये लोग उसको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप का 5 साल से खाली 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप था, जैसे सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने उसको 5 साल के अंदर 14,50,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, 1,600 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया। बहुत से बच्चों को मेडिकल सीट मिलता था डॉक्टर बनने के लिए, फ्री सीट मिला जाती थी, उसके अंदर क्या मिनिमम
पीस बनना पड़ता था 5 लाख रूपये सालाना, वो नहीं बनने की वजह से, गरीबी होने की वजह से बहुत से अभी कॉलेज में जाते थे। यही सिद्धराम जिसके मिला के ऐसे बच्चों को केएमसी के अंदर से जो 5 लाख के फीस है गवर्नमेंट से 3 लाख बना करके बहुत से लोग डॉक्टर बने। उसके साथ साथ में हमारे के अंदर तालीम के होने की वजह से बहुत से ऑटो ड्राइवर थे, गाड़ी के गाड़ी के ड्राइवर है, ड्राइवर बन गए, वो मालिक बन जा करके एक स्कीम ला के ये 8.5 लाख की गाड़ी देना उनको खाली 70-75 हजार रूपये 70-75 हजार रूपये इंसल पेमेंट दे देते हो, उनको जो है 3.5 लाख रूपये गवर्नमेंट की सब्सिडी दे के 4 लाख रूपये लोन लेके बहुत से हजारों अफगर को जो ड्राइवर था उसको मालिक बनाने वाले सिग्नल में। और देखिए हमने भगत टिप्पू सुल्तान के बारे में कोई भी नहीं सोचता था, यही मैसूर के होते हुए सिद्धरामैया साहब भगत टिप्पू सुल्तान के बारे में जानते हुए टिप्पू जयंती बनाना देखिए, टिप्पू जयंती 5 साल बने, 5 साल टिप्पू जयंती बने, यही बीजेपी वाले खिलाफत करते थे भाई हम टिप्पू जयंती बनाने देंगे, हर साल बैंकट हॉल के अंदर टिप्पू जयंती बनाते हुए सीना ठोक के बोलते थे सिद्धरामैया साहब इस साल नहीं अगले साल में और सब से बना दो जो तुम बनने के करने के। मेरी आवाम से ये खासी जाना गुजारी मेहरबानी करके मैं ये भी पाटिल साहब को मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से यूपी पाटिल साहब 2008 के चुनाव में लड़े थे, इसके बाद 2013 के चुनाव में ले रहे, फिर 2018 के चुनाव में ले रहे, मेरे हिसाब से ये भी पाटिल साहब की बदनसीबी है कि अगर 2013 में अगर फेल करा लेते तो वो 2013 में जीत जाते थे, वो 2013 में क्यों नहीं फेरे मानेंगे योगी पाटिल साहब। योगी पाटिल साहब मेरे भाई साहब सरकार आप 2008 में इसके बाद 3 बार एमएलए बने था, कंटिन्यू लगातार 3 बार एमएलए बन रहा था, तो कुछ तो कुछ कारनामे करने की वजह से मैं आपको नजदीक से जानता हूँ, आपके जैसा एक आदमी कोई नहीं, कारनामे करने की वजह से 3 बार एमएलए बने, मगर आपकी गलती क्या हुई 2008 में हमने जवाब 2013 के अंदर एक आवाम का एक मजमा था सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाना देंगे, कर्नाटक का केवल सिद्धरामैया का अभियान थी उसके बाद नहीं ठहरे हुए थोड़ा गलती कर दिए, तो मैं मेरी आवाम से ये ताजी जला करता हूँ। आज देश की हालत से गुजर रहा आप लोग अच्छी तरह से जानते, आज देश देखे होंगे आज सुबह बीजेपी उठ के जो मुसलमान के ऊपर टारगेट हिजाब का किस्सा ले लो, हिजाब का मसला ले लो। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें।